अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। हम तीनों को यहाँ देख के लोग यही समझेंगे कि आज सीआईडी बंद है सर। अरे ये भी तो अर्जेंट है अभिजीत, मेरे दोस्त के बेटे की शादी है और मुझे उसके लिए गिफ्ट खरीदना है, कि समझ में नहीं आ रहा है उसे क्या दूं। हाँ सर, आप तो वैसे शादीवादी में जाते ही नहीं है। वही तो, आजकल के जवानों की क्या पसंद है मुझे बिल्कुल पता नहीं, इसलिए तुम दोनों मेरी मदद करो। सर आप उसे एक कार्ड दे दो, उसमें लिख दीजिए मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है, आज हंस ले जितना हंसना है, फिर शादी के बाद तो शायद मौका ही नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, कार्ड भी देंगे और गिफ्ट भी देंगे, बस कोई फोन ना आ जाए कि कोई खून हो गया है। हेलो हेलो एसीपी साहब, कौन है आप? मैं आपकी एक फैन बोल रही हूँ, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, बहुत तारीफ सुनी है आपके काम की। थैंक यू। मैंने सुना है आप जब तक अपराधियों को पकड़ नहीं लेते चैन से नहीं बैठते हैं। मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी करता हूँ। नहीं नहीं सर, आप नंबर वन है, नंबर वन, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है। क्या फैसला? कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। शादी? ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है, मुझे तुमसे शादी करनी है बस। What nonsense? अगर तुमने मुझसे शादी करने से मना किया तो मैं किसी का खून कर दूंगी, समझे? तुम्हारी आंखों के सामने। जल्दी से नंबर ट्रेस करो। ऐसे कोई बार बार शादी के लिए नहीं बोलता है। टेलीफोन एक्सचेंज, मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ सीआईडी से। देखिए इट्स वेरी अर्जेंट, क्या बता सकते हैं नंबर कहाँ का है? प्लीज आपको जो करना है कीजिए, बट द आंसर इज नो। आपने मेरी बेइज्जती की है। क्या काम दे लूं डिपार्टमेंटल स्टोर्स पब्लिक बूथ से? ओके ओके थैंक्स। अभिजीत कॉल यहीं से आ रहा है। पब्लिक बूथ यहाँ पे है? यहाँ पे पीछे गेट के पास। पीछे? अब आपको पछताना पड़ेगा, इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। क्या होगा हा? क्या करेगी आप? देखो अब क्या होता है। हेलो हेलो, निकल गए। एसीपी साहब आप मुझे तब तक नहीं देख सकते जब तक आप मुझसे शादी के लिए राजी नहीं होंगे। हेलो हेलो, वो यहीं पे कहीं है सर, वो यहीं से फोन कर रही थी। फिर से फोन आया था। हेलो एसीपी प्रद्युमन, कहाँ पे? डब्ल्यू आर ज्वेलर्स, अंधेरी में। ठीक है हम लोग आते हैं, ये लो हो गया ना। डब्ल्यू आर ज्वेलर्स अंधेरी में जो है वहां किसी ने बॉम्ब रख दिया है। सर जैसे ही फोन आया मैंने पूरी दुकान छान डाली, मुझे तो कहीं बॉम्ब नजर नहीं आया। फोन करने वाले ने क्या कहा आपसे? उसने कहा मैंने तुम्हारी दुकान में बॉम्ब रखा है। तो मेरे हाथ से तो फोन ही छूट गया साहब। मैंने उससे कहा भाई मेरी दुकान में बॉम्ब क्यों रखा है तूने? तो क्या बोला? उसने कहा बस तेरी दुकान पसंद आ गई। मैंने उससे कहा कुछ पैसे वैसे चाहिए? तो कहने लगा पैसे वैसे नहीं चाहिए, एसीपी को फोन कर, मुझे तो ये भी नहीं पता एसीपी कौन है यहाँ। अच्छा कौन से एसीपी को फोन कर ये कहा उसने? सीआईडी को फोन कर जल्दी से, ये कहा उसने। तो मैंने आपको फोन कर दिया साहब, किसी ने मजाक तो नहीं किया होगा ना? लगता तो कुछ ऐसे ही है, मगर फिर भी कह नहीं सकते। वहां देखा? यहाँ पे कुछ नहीं, अच्छी तरह से देख। वहां पे काउंटर के पीछे? वहां पे भी देखा है सर। यहाँ भी देख लिया सर। और वो वहां पे क्या है? क्या हुआ है? सर यहीं पे बम फूटा। यहाँ पे? यहीं पे मेरा पॉलिश का बॉक्स था। लेकिन पॉलिश के बॉक्स में बम कहाँ से आया? साहब मैं वहां पे खड़ा था,
मैंने देखा है कि इसी बॉक्स में बम फटा है। अच्छा हुआ कि ये लड़का यहाँ पे नहीं था, वरना ये भी उड़ जाता। आप वहाँ पे थे? हाँ वहाँ पे। अब जरा इस तरफ आइए, तुम कहाँ पे थे बेटे? मुझे एक औरत ने काम दिया और मैं बॉक्स छोड़ के चला गया। कहाँ है वो औरत? अभी तक तो यही पर थी, पता नहीं कहाँ चली गई। क्या क्या काम करने को बोला था तुमको? उसने मुझे 100 रुपए दिए और बोला ये पैकेट अंदर दे देना। किसको बोला था देने के लिए? उसने बोला किसी प्रद्युमन को देना है। बेटा प्रद्युमन मैं ही हूँ, पैकेट मुझे दो। सर जरा संभाल के, अब खोल के देखते हैं। सर एक और बॉम्ब हो सकता है। यह लगता नहीं है, पैकेट काफी हल्का है। सर ये मुझे दीजिए प्लीज। रेड रोज, लाल गुलाब। लाल गुलाब का मतलब प्यार है। वो औरत देखती कैसी थी? वो लंबी है, पतली है और बहुत कड़की है। बेटा तुम हमारे साथ आओ, उस लड़की का स्केच बनवाने में हमारी मदद करो, ठीक है? एसीपी साहब, ऐसा लगता नहीं है कि ये बॉम्ब किसी लड़की का बनाया हुआ है। मगर वो पॉलिश वाला लड़का कह रहा है कि वहां एक लड़की आई थी और उसने उससे बात भी की। लड़की आई होगी, लेकिन ये बॉम्ब उस लड़की ने नहीं बनाया होगा, कोई और ही है ये। आजकल लड़कियां काफी आगे बढ़ गई हैं डॉक्टर अंजलिका, और जब एक बार किसी लड़के का दिमाग घूम जाता है तो वो कुछ भी कर सकती है। जैसे पर एक लड़की बैठकर इस तरह का बॉम्ब बनाएगी जिसमें ये डेटोनेटर लगा हो? इतना कॉम्प्लिकेटेड डेटोनेटर क्यों? ये नहीं हो सकता। नहीं सर, ये M1129 है। इस तरह का डेटोनेटर इस बॉम्ब में लगाने का मतलब है कि ये कोई पहुंचा हुआ आदमी, कोई एक्सपर्ट। इसे प्यार व्यार से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर सर ये लड़की आपसे चाहती क्या है? हाँ ये प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं लगता है। हाँ अगर वो दया को फोन करती तो बात अलग थी। हाँ या फिर मुझे। ये मजाक का वक्त नहीं है। सच ये है कि वो लड़की एसीपी को ही फोन कर रही है और एक बम फटा है। अच्छा हुआ कोई मरा नहीं वरना। मैडम ये आपके लिए पार्सल आया है। ओ थैंक यू। ओ फैंटास्टिक, अब केस सॉल्व हो जाएगा। कोई इंफॉर्मेशन मिल गई है क्या आपको? हाँ खून किसने किया है अब पता चल जाएगा। मगर अभी तक तो कोई खून हुआ ही नहीं है। मेरे पति का खून हुआ है और ये उस केस का सबसे बड़ा सबूत है। मैं 50 बार कह चुका हूँ कि वो गोली मेरे हाथ से नहीं चली है जिससे खून हुआ है। अब किसने वो गोली चलाई मालूम नहीं है, दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी। आधा घंटा हो गया फायरिंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही। सर काफी गोलियां हैं उनके पास। लो जवाब आ गया। आज बच के नहीं जाओगे। ये कौन बीच में आ गया? चलो एक विकेट तो गया। अरे ये तो इंस्पेक्टर पराग देशमुख है। माय गॉड, हर एनकाउंटर में कहानी वही होती है। गोलियां चलती हैं, कुछ लोग मारे जाते हैं। और क्या होगा, जब गोलियां चलेगी तो किसी ना किसी को तो लगेगी। हाँ मगर ज्यादातर गोलियां क्रिमिनल्स को लगती हैं, पुलिस को नहीं। क्योंकि पुलिस पूरी तैयारी के साथ जाती है। मगर इस एनकाउंटर में एक पुलिस ऑफिसर भी मारा गया था। अगर गोली सामने से लगती तो मैं मान भी सकती थी, मगर गोली पीठ में लगी थी सर, पीठ में, जिस तरफ से सीआईडी फायर कर रही थी। अब सबूत मिल गया है। कैसा सबूत? आपकी गन। मेरी गन? ये वही गन है जिसे आप कह रहे थे मेरे पास है ही नहीं। उस एनकाउंटर के बाद ये गन आर्मरी गई थी साफ सफाई करने के लिए और फिर किसी और ऑफिसर को दे दी गई थी। ये गन नागपुर में मिली है,
वहां के डीसीपी के पास थी। अब मैं इसे फायर करके देखूंगी कि ये गोली जिससे मेरे पति की मौत हुई थी इसमें से चली है या नहीं। ये मेरे खिलाफ कुछ साजिश है। एक तरफ एक औरत ने बॉम्ब फोड़ दिया कि मैं शादी के लिए हाँ बोल दूं और दूसरी तरफ ये मुझे फांसी लगाने पे तुली हुई है। सर दोनों ही तरफ मौत है सर। शराब ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे, मालूम है मुझे। हेलो क्या सोचा है एसीपी साहब? वही है। हेलो डार्लिंग, मुझे मालूम नहीं था कि तुम मुझे इतना चाहती हो कि तुम बॉम्ब फोड़ दोगी। मैं तो सिर्फ देखना चाहता था कि वाकई प्यार है कि नहीं। इस दुनिया में मेरा भी कोई नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। बताओ बताओ कहां मिलना है? अब आए ना रास्ते पर, कल प्लाजा शॉपिंग सेंटर में मिलेंगे 11 बजे। अकेले आना ओके? ठीक है। हेलो एसीपी प्रद्युमन, यहाँ आप आ गए एसीपी साहब, आप एकदम टाइम पर आए। आखिर मेरी मोहब्बत आपको यहाँ तक खींच ही लाई, अब आप लिफ्ट की तरफ आइए। लिफ्ट की तरफ? ठीक है मैं आ रहा हूँ लिफ्ट की तरफ। सर हम लोग आसपास ही घूम रहे हैं, 3 बार चक्कर काट चुके हैं मेन गेट का, मगर वो लड़की कहीं दिखाई नहीं पड़ी। सर मैं आ गया हूँ फर्स्ट फ्लोर पर, अब पहले फ्लोर से बाहर निकलो, सीधे चले जाओ, लेफ्ट टर्न लेकर कॉरिडोर में सीढ़ियों तक जाओ। सर वो बार बार फोन बदल रही है, नंबर अलग अलग आ रहा है सर। अब सीढ़ियों पर चढ़ो और सेकंड फ्लोर पर आ जाओ। हेलो, हाँ मैं सेकंड फ्लोर पर आ रहा हूँ। सर मेरे ख्याल से वो लड़की शॉपिंग सेंटर के अंदर नहीं है सर, वो बाहर कहीं से फोन कर रही है, किसी पब्लिक फोन से सर। हाँ बोलो। अब लेफ्ट टर्न लेकर शॉप नंबर 8 तक पहुंच जाओ। लेफ्ट टर्न लेके शॉप नंबर 8, ठीक है। मैं शॉप नंबर 8 पे पहुंच गया हूँ, शॉप बंद है। हाँ मुझे मालूम है शटर बंद है, मैं उसके अंदर हूँ। शॉप के अंदर हो? हाँ शटर खोलकर अंदर आ जाओ, खोलकर अंदर आ जाओ, देर मत करो। अच्छा और अंदर आकर शटर बंद कर दो। अंदर जाकर शटर बंद करो, ये कैसी मीटिंग है? हेलो पहले से ही मरा पड़ा था। सर ये आदमी आपके गोली चलाने से नहीं मरा है, लगता है ये गोली आपकी गन में से नहीं चली है, क्योंकि ये आदमी तो आपके वहां पहुंचने से 5 घंटे पहले ही मर चुका था। तो ये लाश वहां लाके रख दी गई थी एसीपी साहब को फंसाने के लिए? जी हाँ। और वो गोली की आवाज, वहां पे गोली चलने की आवाज आई थी।
गोली चलने की आवाज यहां से आई है, इस रिकॉर्डर में से। ये देखिए सर, ये वहीं से मिला है, छुपा के रखा हुआ था। किसी ने रिमोट से रिकॉर्डर ऑन किया, आप अंदर गए, रिमोट से रिकॉर्डर चला और गोली चल गई। तो फिर ये आदमी मरा कैसे? सर, ये बेचारा तो अपनी ही मौत मरा है। कपड़ों से तो ये भिखारी लगता है। शायद इसकी लाश सड़क पर पड़ी होगी कहीं, उठाकर ले गया कोई। और ये कपड़े पे जो ब्लड है? नकली है। हेलो, तुम मुझे पकड़ने आए थे, है ना? देखा मैंने कैसे फंसाया तुम्हें। आज रात तुम शादी में जाने वाले हो ना? हाँ। मैं वहां दूल्हे को ही मार दूंगी। रिसेप्शन खत्म होने से पहले दुल्हन विधवा हो जाएगी। हेलो हेलो, नमस्कार जी, वेलकम वेलकम। अरे राज, ये सब क्या लगा रखा है? ये सब ऐसे ही। ऐसे ही मतलब? आपको क्या लगा हम कोई गन वन लेके आने वाले हैं आपकी बेटी की शादी में? ऐसे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। आइए। कमाल है, हर चीज खोल के देख। अरे इतना ही शक था तो बुलाए क्यों शादी में? भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सब बताता हूँ। आइए आइए। एक मिनट जरा, बुके चेक करवाएंगे प्लीज। Yes, सब चेक करना है, अंदर स्टेज पे चेक करना है। कुत्ता आप यहाँ ले आए? अंदर जाइए आप। अगर मुझे पता होता कि आप मेरे मेहमानों को ऐसे तंग करेंगे तो मैं आपको आने ही नहीं देता। देखिए, अगर आपके बेटे को कुछ हो गया तो। लेकिन औरत है कौन जो आपको ऐसे तंग कर रही है, और वो मेरे बेटे को क्यों मारना चाहती है? मगर आप ऐसे मेहमानों की चेकिंग मत कीजिए, और जो कुछ भी करना है चुपके से कीजिए बस। कितनी गर्मी है आज, बाप रे बाप। मालूम है और टेम्परेचर कितना है? 38 डिग्री। अच्छा, टीवी पे दिखाया था। कोई प्रॉब्लम है? कोई खतरा है? नहीं नहीं नहीं, शादी तो हो गई ना ठीक। एक्सक्यूज मी, ये जरा बुक। अरे इंस्पेक्टर अभिजीत, कैसा है अभिजीत साहब? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी बस बढ़िया। वो एसीबी साहब भी है? एसीबी प्रद्युमन जी। यस सर, मेरा नाम समीर है, मैं स्टार टीवी से आया। क्या बात, क्या है? सर एक्चुअली कल रात को हमारे यहाँ फोन आया था किसी लड़की का, उसने बताया कि वो किसी आदमी को आपकी आंखों के सामने मार देगी और आप कुछ नहीं कर सकेंगे। आपको हर बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सर ये बात सच है कि नहीं? क्या आपको किसी ने धमकी दी थी? ये बताना मुश्किल है। सर आप इस शादी में किस लिए आए? ठीक है, मैं बिजी हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूँ। सर मैं आपका इंतजार करूँगा। सर कैमरा बंद मत करना, शूटिंग चालू रखो। एसीपी की हालत खराब लग रही है, जरूर कुछ ना कुछ होने वाला है। अरे एसीपी साहब, एसीपी साहब नमस्ते। ओ नमस्ते। सीआईडी के सब लोग यहाँ कैसे मौजूद? ऐसे ही बस। तो मैंने तो सुना था आजकल आप कहीं बाहर गए हुए, इंडिया से बाहर? जी बस आज ही आया हूँ, सीधा यहीं चला आया। मनोज मेरे कॉलेज का दोस्त है। हेलो एसीपी साहब, दूल्हा बनने वाला है। आप आ रहे हैं? नहीं आप चलिए, मैं आता हूँ। आपके पास आखिरी चांस है। किस बात का आखिरी चांस? दूल्हा मरने वाला है, बचा सकते हो तो बचा लो। हेलो हेलो, वही लड़की कह रहे दूल्हा मरने वाला है। मनोज मेरे बच्चे, 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 म